को डरा के ब्लैकमेल करके मुसलमान युवकों ने मतांतर किया है। 2006 में 2600 हिंदू युवती मतांतर हुआ है। आज कर्नाटक में 21,000 हिंदू युवती नापता है, वो कहां गया कहां नहीं, वो सब इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करना चाहिए और डिपार्टमेंट भी निगाह रखना चाहिए। आज श्रीराम सेना तरफ से कर्नाटक में हिंदू युवतियों को रक्षा करने के लिए एक हेल्पलाइन ओपनिंग किया है। ये हेल्पलाइन इसलिए जो हिंदू युवतियों को टारगेट करके मुस्लिम युवकों ने लव जिहाद नाम से रास्ते पे उतारा है। कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, मॉल और रिचार्ज सेंटर, ब्यूटी पार्लर में मुसलमान युवतियों के साथ मुसलमान युवक भी वहां मौजूद होता है। मुसलमान युवतियों का कार्य है हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए और हिंदू युवती मुसलमान युवकों को जोड़ने के लिए। ये मुस्लिम युवती एक गैंग इधर कर्नाटक का पूरे भारत में कर रहा है, उनका नाम है शाहीन गैंग। शाहीन गैंग से नाम से हिंदू युवतियों को फंसा रहे हैं। ये सब रोकने के लिए हम आज श्रीराम सेना एक हेल्पलाइन डिक्लेयर किया है। आप देखा होगा पिछले महीने में नेहा हिरेमठ एक स्टूडेंट को दिन दाट कॉलेज के ग्राउंड में हत्या किया है प्यार निराकरण करने के बाद। और अंजलि अंबिगर को एक लड़का ने हत्या किया है। हत्या किसी का हो, जात मत पंथ भेद नहीं है। वो जो पीड़ित युवतियों का रक्षा के लिए हम आज हिंदू हेल्पलाइन किया है लव जिहाद नाम से। निरंतर हमारा देश में बहुत हिंदू युवतियों का हत्या हुआ है, मारपीट हुआ है और आईसीस को भी भेजा है। ये सब पुलिस इलाकों के सामने हमारा सामने रिकॉर्ड दिया है पुलिस इलाकों ने। ये रोकने के लिए जो पीड़ित तो हो रहा है हिंदू युवती, डर से नहीं आराम से श्रीराम सेना बोले तो हमारा भाई का संगठन है, हमारा भाई का संगठन है। आप हमारा रक्षा करने के लिए आप आइए बोले तो एक फोन कॉल किए तो हम आपके रक्षा के लिए रोड पे उतरते हैं और पटाना में प्रकरण दर्ज कर केस दर्ज करके आपके रक्षा के लिए हम निरंतर काम करने के लिए हिंदू युवतियों का रक्षा करने के लिए श्रीराम सेने आज एक नंबर डिक्लेयर किया है। ये तो क्या हाँ कौन पीड़ित होता है, जात नहीं है, मंत नहीं है, पंत नहीं है। किसी से कोई हिंदू युवती को टॉर्चर हो रहा है तो वो युवती हमको फोन लगाए तो आपके रक्षा के लिए हमारा श्रीराम सेना खड़े है। जैसे कि आजकल गार्डन में बैठते हैं और वहाँ पे थोड़ा कुछ चलता है तो ऐसा अगर कॉल किए तो आप पकड़ के 100% लीगल के तरफ से पार्क में, गार्डन में, मॉल में कोई इलीगल रिलेशन करके वहां बैठे तो हमारा हिंदू युवती के लव जिहाद नाम से मतांतर करने के लिए कोशिश किया है तो हम उनका रक्षा के लिए उधर आते हैं, पहुंचाते हैं। सामने लड़का या लड़की हो, अग्री हो तो उसको क्या करेंगे सर आप? देखो ऐसा अग्री हो तो हमको फोन ही नहीं आता है, अग्री हो तो फोन ही नहीं आता है। जो हिंदू युवतियों के ऊपर उसका माता पिता निगाह रखना चाहिए क्योंकि हमारा बच्चे कहाँ जा रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, किसके साथ जा रहा है, कॉलेज को जा रहा है क्या नहीं, बाजार को जा रहा है क्या नहीं, तो निगाह रखे तो आपका बेटा आपका बेटी रक्षा होता है, नहीं तो सुरक्षा में रहता है, नहीं तो नेहा हिरेमठ का जैसा उनका जान खतरे में पड़ता है। कब से स्टार्ट हुआ सर? आज से।